हेलो एवरीवन आज हम बात करेंगे सी एस जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के क्वेश्चन की यह क्वेश्चन एल सी डी के अंदर से आया हुआ है रियल एनालिसिस प्यारा सा क्वेश्चन है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है करते हैं इसकी शुरुआत तो क्वेश्चन क्या कहता है डिफाइन आर स्क्वायर टू आर बाई एफ ऑफ एक्स वाई वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉन जीरो क्स इज इक्वल टू जीरो तो फंक्शन की वैल्यू ठीक है जी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ये क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन है फोर पॉइंट सेवन फाइव मार्क्स का क्वेश्चन तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है करली करली पॉइंट पे सेकेंड कर्ली एफ बाई करली वाई जीरो जीरो पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है और एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट जीरो जीरो पे एफ इज नॉट डिफरेंसेबल एट जीरो जीरो पे तो ये सी पार्ट का क्वेश्चन है तो यहां पे इसके चार ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं ठीक है तो बात करेंगे वन बाई वन तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं हां जी फर्स्ट ऑप्शन कहता है कर लिया बाई कर लिया एक्स जीरो जीरो पे तो एफ एक्स निकालते हैं जीरो जीरो पॉइंट पे ये होता है हमारे पास लिमिट एच टेंस जीरो माइनस के एफ ओफ जीरोन में एच ठीक है लिमिट एच टू जीरो एफ ऑफ एच को मा जीरो वाई की वैल्यू जीरो जीरो पुट करेंगे फंक्शन के अंदर तो जीरो इंटू सम जीरो अपोन में एक्स तो ये क्या बन जाएगा जीरो माइनस के एफ जीरो जीरो जब के है, तो जीरो तो से आंसर क्या आया के आ गया तो Fx00 exists. तो तो ये ये करता करता है यह करता है तो यहां से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ट्रू हो जाता है ठीक है अब सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं सेकेंड ऑप्शन हमारे पास एफ वाई जीरो जीरो पे एग्जिस्ट करता है एफ का वाई के रिस्पेक्ट पार्सल डेरेवेटिव जीरो जीरो पे ये होता है हमारे पास लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ओफ जीरो कोमा के माइनस के एफ जीरो जीरो अपोन में के ठीक है लिमिट के टेंस टू जीरो एफ जीरो कोमा के जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो है माइनस के एफ जीरो जीरो पे जीरो अपोन के तो ये आ गया हमारे पास जीरो तो देर फोर एफ वाई जीरो जीरो एग्जिस्ट जी तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया यहाँ से ट्रू हो गया दो ऑप्शन हमारे ट्रू हो चुके हैं अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की थर्ड ऑप्शन कहता है कि एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट जीरो जीरो और फोर्थ एफ इज नॉट डिफेंसीबल एट जीरो जीरो अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये ट्रू है ठीक है अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो फोर होगा वो भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा हाँ जी क्योंकि कंटिन्यूटी इंप्लाइज डिफेंसीबिलिटी अगर फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो फंक्शन डिफेंसेबल भी नहीं होगा ठीक है तो अब इसका थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं मैं मान के चलता हूं कि जो ये कह रहा है ना वो बात बिल्कुल ट्रू है ठीक है जी ये सच बोल रहा है मैं मान के चलता हूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है कंटिन्यूस नहीं है तो मुझे इसको फेल करना पड़ेगा किसी न किसी पाथ पे ठीक है जी तो करते हैं किसी -किसी चलते हैं जो एक्स वाई है टेंड्स टू जीरो जीरो अलोंग द पाथ मान लेता हूं वाई इज इक्वल टू एम टाइम रूट एक्स ठीक है कि इस पाथ के अलोंग ये कंडीशन आती है कि एक्स वाई जीरो जो को टेंड करता है अलोंग दिस पाथ वाई इज इक्वल टू एम रूट एक्स एक्स क्या टू जीरो को टेंड करेगा ठीक है जी? तो टेंड्स एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो फंक्शन हमारे पास है वाई रूट ऑफ एक्स स्क् प्लस वाई स्क्र अपॉन में एक्स ठीक है लिमिट यहां से हमारे पास एक्स जीरो टेंड करता है तो वाई भी जीरो टेंड करेगा तो मैं यहां से लिख सकता हूं टेंडिंग टू जीरो वाई के प्लेस में मुझे क्या पुट करना एम रूट एक्स तो यहां से मेरे पास क्या जाएगा लिमिट एक्सटेंड टू जीरो तो वाई के प्लेस पे एम रूट एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्र प्लस वाई के प्लेस पे एम रूट एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा एम स्क्वेयर और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स ठीक है इतनी बात आपको समझ आ गई बिल्कुल आसान है इसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो देखो एक्स यहां पे, एक्स यहां पे, एक्स कॉमन आएगा कॉमन आएगा तो रूट से बाहर लिखेंगे उसको तो क्या बन जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स और रूट के अंदर बचेगा जी एक्स प्लस एम और अपोन में है एक्स हमारे पास ठीक है अब इस एक्स से ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा ये पावर हमारे पास वन के कुल हो जाएगी हाफ इंटू हाफ तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बचेगा एम टाइम रूट एक्स प्लस के एम स्क्र आएगा सॉरी यहां पे तो एम स्क्र तो अब यहां से जीरो पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है एम टाइम रूट ऑफ एम स्क्वेयर ठीक है ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ओके जी इसके बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस के एम लिख देंगे इसको तो प्लस माइनस के एम हो जाएगा ठीक है तो यहां से हमारे पास एक्स गायब हो गया तो ये वैल्यू क्या आ गई M के अंदर आ गई ठीक है विच इज डिफरेंट फोर ऑल वैल्यूज ऑफ एम या फोर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम के लिए ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी जी डिफरेंट हो जाएगी ठीक है लेकिन कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि जो लिमिट है वो एक डेफिनेट होनी चाहिए ठीक है जी तो देअर फोर जो हमारे पास ये फंक्शन है एफ ओफ एक्स वाई ठीक है लिमिट एक्स को मोवाई टेंड्स टू जीरो जीरो डज नॉट एग्जिस्ट अब यहां पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट कंटिन्यूस एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट जीरो जीरो पे ठीक है जी फंक्शन की लिमिट एक्जिस्ट नहीं करते तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो अपना जो थर्ड ऑप्शन वो ट्रू हो जाएगा और इसी के साथ अपना जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी ट्री हो जाएगा ठीक है जी अगर चांस यहां से यह आ जाता कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ठीक है जी तो हमें इसका फोर्थ ऑप्शन चेक करना पड़ता ठीक है अब फोर्थ ऑप्शन कैसे चेक करना है उसके लिए हमने प्ले लिस्ट बना रखी है ठीक है जी तो प्ले लिस्ट आपको चैनल के ऊपर ही मिल जाएगी बी एस सी सेकेंड ईयर नाम से एडवांस कैलकुलस, ठीक है जहां पे हम बात करते हैं डिफ्रेंसीबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है of of तो वहां से आपको अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से आप सीख सकते हैं इस चीज़ को बिल्कुल आसान है तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सी यू थैंक यू फॉर वॉचिंग